बीए पार्ट थर्ड में आज हम देखते हैं प्लेटो की शिक्षा योजना। तो इससे पहले वीडियो में हमने देखा कि प्लेटो की शिक्षा योजना पर किन पद्धतियों का प्रभाव था, वो हमने जाना है। एथेंस और स्पार्टा का उनके प्रभाव था। अगला जो हम देखते हैं, प्लेटो की जो शिक्षा योजना है उसमें हमने पहले भी देखा था कि एक उसने प्राथमिक शिक्षा और दूसरा है उसकी उच्च शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा का जो काल था वो था जन्म से लेकर 20 वर्ष की आयु तक। जन्म से लेकर 20 वर्ष की आयु तक व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। तो अब हम देखते हैं यहाँ कि प्लेटो ने जो शिक्षा योजना प्रस्तुत की है अपनी, तो उसमें प्राथमिक जो शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या था। हर उम्र में उसने माना है कि एक विशेष उम्र को यदि हम समय के अनुसार देखें तो उनमें कुछ विशेष क्षमताओं का निर्माण होता है। तो जन्म से 20 वर्ष तक की आयु का जो प्लेटो ने यहां किया उसको भी प्लेटो ने तीन स्तरों पर उसने बांटा है। 0 से बच्चा जो जन्म लेता है तो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक व्यक्ति का एक अलग, ये प्लेटो का मानना है कि व्यक्ति में एक अलग, उस समय उसका मानना है कि व्यक्ति का या बच्चे का चरित्र निर्माण के लिए जो भी चीजें आवश्यक होती है वो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक जो बातें उसके दिमाग में हम बैठा देते हैं, वो चीजें हम कई महापुरुषों के बारे में सुनते हैं कि बचपन में उनकी माँ ने, पिताजी ने, उनके भाइयों ने, दोस्तों ने, परिवार में गुरुजनों ने उनको ऐसी ऐसी कहानियां सुनाए सुनाते थे वो लोग। और हम देखते हैं कि उनके एक अमिट छाप जो होती है, ये प्लेटो का भी यही मानना है कि बचपन में सुनी हुई बातें व्यक्ति पे अमिट रहती है और आगे चलकर भी वो वैसा ही आचरण करने की कोशिश करता है। तो प्लेटो ने यहाँ जो पहला अपना स्तर रखा है वो रखा है 0 से 6 वर्ष की आयु तक। जन्म लेने से 6 वर्ष की आयु तक प्लेटो का ये मानना है कि इस उम्र में व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है और उस चरित्र के निर्माण का माध्यम जो उसने रखा है, जिसे आज हम सिलेबस कहते हैं, पाठ्यक्रम कहते हैं, तो उसका जन्म से 6 वर्ष की आयु तक का पाठ्यक्रम था कहानियां और उदाहरणों के माध्यम से। बच्चे को ऐसी बातें बताई जाए जिनमें उसको ये समझाया जाए कि हमेशा सत्य की विजय होती है, नैतिकता है वो हमेशा सम्माननीय है। उसे हमेशा ये बताया जाए इन उदाहरणों के माध्यम से कि हमेशा व्यक्ति को राष्ट्र प्रेम करना चाहिए, व्यक्ति को अपने हितों की तुलना में राष्ट्र के, राज्य के जो हित हैं उनको प्रमुखता देनी चाहिए। तो इस तरह की चीजें ये कह रहा है कि कहानियों के माध्यम से जब आप बच्चे को सुनाएंगे, पढ़ाएंगे, बार बार ऐसे उदाहरण देंगे तो बच्चे में निश्चित रूप से अपने राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति एक भाव इस तरह के पैदा होंगे कि वो हमेशा उसमें त्याग के भाव होंगे, समाज कल्याण के भाव होंगे, दूसरे लोगों को त्याग के भाव होंगे कि वो लोगों की सेवा के लिए, राज्य की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। तो राज्य प्लेटो की शिक्षा का जो प्रथम स्तर है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, उसमें उसका उद्देश्य था बच्चे के चरित्र का निर्माण करना, एक उज्जवल चरित्र वो बने, इसके लिए उसे कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से इस तरह की कहानियां सुनाई जाए। तो ये उसने की परिचारिकाएं होंगी या जो भी वहां होंगे वो लोग बच्चों को ऐसी ऐसी कहानियां सुनाएंगे कि बच्चों मतलब इस तरीके से उनमें क्यूरियसिटी बच्चों में पैदा हो कि उनको लगे, वो उनको अच्छे से सुन पाए, मन लगा के सुने, तो आगे चल के उनके, आज भी हम देखते हैं जैसे कई, ये अभी भी आपने देखा है कई साइकोलॉजिस्ट इस तरह के कहते हैं कि बचपन में हम जैसे बच्चों को कुछ चीजों से डरा देते हैं तो उनको एक वो डर जीवन भर लगता रहता है, बड़े होने के बाद में भी वो जो हम कहते हैं कि भाई यहाँ वो है, फला है, तो इस तरह की चीजें बच्चों के दिमाग में घुसा दी तो वो बच्चे आगे चल के भी उनके वो चीजें दिमाग में बैठी रहती है। तो यही चीज प्लेटो कहता है कि इस यहाँ अच्छी कहानियां उनको सुनाई जाएं जिनमें राष्ट्र नायकों की जो कहानियां हैं, जो राज्य के इस तरह के महापुरुष हैं उनकी कहानियां हैं जो लोगों को प्रेरणा दे सके। तो इस तरह की कहानियों के माध्यम से चरित्र निर्माण का कार्य वो जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक शुरू कर देता है। 6 वर्ष की आयु के पश्चात प्लेटो की शिक्षा प्रणाली, जो प्राथमिक शिक्षा का क्रम है, उसका द्वितीय स्तर आता है। उसमें प्लेटो 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु, ये जो 12 वर्ष हैं, इन 12 वर्षों में प्लेटो का मानना है कि व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक दोनों डेवलपमेंट इसे
एज में या इस आयु वर्ग में होने शुरू हो जाते हैं। तो प्लेटो का मानना है कि इस आयु वर्ग में 6 से लेकर 18 वर्ष तक वो चाहता है कि व्यक्ति का मानसिक विकास हो एवं व्यक्ति का शारीरिक विकास हो। इसके लिए उसने दो प्रकार की पाठ्यक्रम रखे हैं, एक संगीत और दूसरा व्यायाम। वो कहता है कि व्यक्ति को इनको 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु तक इनको संगीत में एक बड़े उसने अर्थ में लिया है संगीत को। उसका मानना है कि संगीत का अर्थ केवल ये नहीं, नृत्य या केवल यहीं तक सीमित नहीं किया उसने, संगीत को उसने लिया है एक बड़ा कला के रूप में लिया है। जो जितनी भी ललित कलाएं हैं और जो कलाएं, जो सकारात्मक जितनी भी कलाएं हैं जिनसे व्यक्ति का मानसिक विकास होता हो, उसका मानना है कि व्यक्ति में कोई कला होती है तो वो व्यक्ति को मानसिक रिलीफ देती है, तनाव को कम करती है। आज भी आप देखिए संगीत और ये ऐसे साधन हैं जब हम सुनते हैं तो कुछ समय के लिए तनाव से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। भजन है और है इस तरह की जो चीज़ें हैं, एजुकेशन जिनको या कोई विशेष वाद्य यंत्र जिनको बजाना आता है, तो तनाव के समय आप देखिए कि ये स्वयं का तनाव भी दूर करते हैं और मधुर होने पर दूसरे जो सुनने वाले हैं उनका तनाव भी दूर करते हैं। तो प्लेटो का जो संगीत है इसके अंदर कला, साहित्य, काव्य, ये काव्य का, अच्छे काव्यों का सृजन करना, ये सारी चीजें उसके संगीत में समाहित है। उसका मानना है कि जब इस तरह की शिक्षाएं दी जाएंगी व्यक्ति को, संगीत, साहित्य और कला, इनके अंदर जब व्यक्ति को आप लेके जाओगे, इनमें जब व्यक्ति डूबेगा, तो निश्चित रूप से वो कहता है कि व्यक्ति की मानसिक भावनाएं सकारात्मक रूप से सबल भी होती हैं और मानसिक भावनाएं हैं उनके आधार पर व्यक्ति का मानसिक परिपक्वता भी उसके अंदर एक आती है और अच्छी भावनाएं उसके अंदर विकसित होती है। दूसरा वो कहता है कि 6 से 18 वर्ष की आयु में व्यक्ति के शरीर की ग्रोथ होती है, व्यक्ति के शरीर का डेवलपमेंट होता है, अतः इस आयु में अधिकतम समय में व्यक्ति को संगीत और इनके अलावा व्यक्ति को व्यायाम भी करना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज जब व्यक्ति करेगा तो शरीर के जितने भी अंग हैं उनको बढ़ने का मौका मिलेगा और उसका शारीरिक विकास भी होगा। तो हम देख सकते हैं कि प्लेटो की जो प्राथमिक शिक्षा का जो उसका द्वितीय स्तर है, जो 6 से 18 वर्ष की आयु तक का है, उसमें प्लेटो का मुख्य उद्देश्य है मानसिक और शारीरिक विकास करना, और इसके लिए उसने अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है संगीत और व्यायाम। इन दो की शिक्षा इस आयु वर्ग में दी जाएगी। तीसरा जो स्तर आता है प्लेटो का शिक्षा योजना का, प्राथमिक शिक्षा का तृतीय स्तर यदि हम देखें, तो तीसरा स्तर आता है 18 से 20 वर्ष की आयु तक। 18 से 20 वर्ष की आयु जो है उसमें प्लेटो ने माना है कि इस आयु में चूंकि व्यक्ति में चारित्रिक विकास का भी डेवलपमेंट हो चुका है, मानसिक और शारीरिक विकास सेकेंड स्टेज में भी हो चुके हैं, थर्ड स्टेज में चाहता है, तो उसने 18 से 20 वर्ष की आयु के बीच में केवल सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से रखा है ताकि वहां उस राज्य का हर स्त्री और पुरुष है वो सैनिक प्रशिक्षण ले सके, ताकि एक तो राष्ट्र प्रेम की भावनाओं का उसमें विकास होगा, राष्ट्र प्रेम की भावनाएं जागृत होगी, उनमें एक राष्ट्र के प्रति एक सकारात्मक चेतना का जागरण होगा, साथ ही युद्ध की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति अपने राज्य की रक्षा के लिए सैनिक धर्म की पालना कर सके। उस समय जब दोनों चीजें उसके अंदर है, प्रशिक्षण भी है और राष्ट्र के प्रति प्रेम भी है, तो प्लेटो कहता है कि उस स्थिति में उस राज्य को कहीं कोई दिक्कत नहीं आती और एक आदर्श राज्य वो कहलाता है। तो प्लेटो के प्राथमिक जो शिक्षा है उसका अंतिम जो चरण है वो तीसरा चरण है, वो 18 से 20 वर्ष तक की आयु का, इसमें सैनिक शिक्षा को उसने माना है कि भाई सैनिक शिक्षा इसमें दी जानी चाहिए। तो ये प्लेटो की प्राथमिक शिक्षा है वो जन्म से लेके 20 वर्ष तक चलती है, जिसमें तीन स्तर बनाए गए हैं, जन्म से 6 वर्ष तक, 6 से 18 वर्ष तक और 18 से 20 वर्ष, और इन तीनों में वो पाठ्यक्रम को उस व्यक्ति के और राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी कैपेसिटी के अनुसार, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उस समय जो व्यक्ति का एक ग्रोथ होता है उसके अकॉर्डिंग उसने अपना पाठ्यक्रम तय किया है। तो ये है उसका पहला स्तर, प्राथमिक स्तर। अब हम बात करते हैं प्लेटो के दूसरे उच्च शिक्षा की। तो प्लेटो की उच्च शिक्षा, अब यहाँ प्लेटो थोड़ा सा आगे चल पड़ता है कि उच्च शिक्षा सभी के लिए नहीं है। उच्च शिक्षा की पात्रता सबसे पहले तो ये है कि ये 20 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद में प्रत्येक व्यक्ति को
एक परीक्षा देनी होगी। एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा 20 वर्ष की शिक्षा समाप्त होने के बाद में। इस परीक्षा का आयोजन करेंगे और इस परीक्षा में जो व्यक्ति उत्तीर्ण होंगे, पास होंगे, केवल वही अधिकारी होंगे उच्च शिक्षा के। अन्य लोगों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, बस उनकी शिक्षा वहीं तक है, अन्य कोई इसमें ऐसा नहीं है कि दोबारा उनको मौका मिलेगा, फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लेटो कहता है कि 20 वर्ष की आयु के बाद में व्यक्ति के जो प्राकृतिक गुण हैं वो उसमें आ जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। अब व्यक्ति जो भी कुछ उत्तर दे रहा है वो अपने प्राकृतिक गुणों के आधार पर दे रहा है। वो कह रहा है कि ये प्राकृतिक गुण जो आ गए अब आगे बस इतने रहेंगे। एक मतलब यहाँ पर आलोचना भी करेंगे आगे चलकर कि व्यक्तियों को दोबारा अवसर वो नहीं देता है। खैर, अभी अपन देख रहे हैं प्लेटो की शिक्षा प्रणाली का सेकंड जो है उच्च शिक्षा का पार्ट है वो। तो प्लेटो की उच्च जो शिक्षा की योजना है ये उन लोगों के लिए है जो प्राथमिक शिक्षा को बड़े सफलतापूर्वक पूरी करेंगे और उसके बाद में उसमें उत्तीर्ण होंगे, उसको पास कर पाएंगे। वही व्यक्ति केवल उच्च शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे। तो उच्च शिक्षा भी प्लेटो ने तीन स्तर यहां पर फिर रखे हैं, जिसमें दो स्तर सैद्धांतिक हैं और एक तीसरा स्तर है वो उसने प्रैक्टिकल रखा है, जिसको हम कहते हैं क्रियात्मक जो अध्ययन है वो उसने रखा है। तो ये किस प्रकार का रखा है उसने, अब वो व्यक्ति के मानसिक, तार्किक, ज्योतिष, ये इस तरह की जो चीजें हैं वो मानता है कि बेसिक चीजें व्यक्ति के समझ में आ गई प्राथमिक शिक्षा तक। अब व्यक्ति का वो एक व्यक्ति को अब विशेषज्ञ बनाने वाली स्थिति में वो ले आता है। जैसे हमारे यहाँ भी अब हम 12वीं करने के बाद में जो 10th होती है, 10वीं तक हम मान लेते हैं कि व्यक्ति को सारा ज्ञान हमने दे दिया है, संस्कृत पढ़ ली, अंग्रेजी पढ़ ली, साइंस पढ़ ली, आपने आर्ट्स पढ़ ली, SS, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सब आपने पढ़ लिया। 11th के बाद में आपको एक विशेषज्ञता दी जाती है, आपको ये बताया जाता है कि आपका विशेष जो आपका एक नेचुरल जो आपका झुकाव है वो किस साइड में है। ये अलग बात है कि आज हम देखते हैं कई बार पेरेंट्स का इतना दबाव है, समाज का इतना ये होता है कि हम कई बार गलत डिसीजन भी ले लेते हैं और बच्चे आगे चल के कई बार बड़े तकलीफ भी पाते हैं। जिन बच्चों की रुचि साइंस में नहीं है वो साइंस में चले जाते हैं, जिन बच्चों की किधर रुचि नहीं उनको, तो ऐसी स्थिति कई बार हमें आगे देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ ये कहता है कि, और हम चूंकि बार बार यहाँ भी काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, जिस समय वो 10वीं के ये इस तरह के बच्चे कई आते हैं, तो हम उनको भी कहते हैं कि कहीं दिक्कत नहीं, आपको पूरा जीवन जीना होता है और उस जीवन जीने के लिए आपको जो नेचुरल जो चीज़ें हैं, जहाँ आपका इंटरेस्ट हो वहाँ आप उस चीज़ को ग्रहण करिए। चीज़ बड़ी छोटी ये नहीं है, मूल चीज़ ये है कि आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट किस साइड में, आपका प्राकृतिक जो झुकाव है वो किस साइड में है। क्योंकि यदि आपको अपने इंटरेस्ट के अनुसार जब आप जॉब करते हैं तो निस्संदेह है आप अपने आप भी संतुष्ट होते हैं और राष्ट्र को भी, जहाँ जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में आप काम करते हैं, वहाँ भी आप बड़े आराम से मजे के साथ काम करेंगे और अपना बेहतरीन रिजल्ट आप दे पाते हैं। तो खैर, अभी अपन बात कर रहे हैं प्लेटो के उच्च शिक्षा की। तो प्लेटो की उच्च शिक्षा में जो अब एक विशेषज्ञताएं देने वाला मामला आ गया है, वहां प्लेटो ने दो भागों में उसने अपनी सैद्धांतिक शिक्षा को रखा है। प्रथम भाग उसने रखा है 20 से 30 वर्ष की आयु तक, दूसरा भाग उसने रखा है 30 से 35 वर्ष की आयु तक, ये रखा उसने सैद्धांतिक भाग। तो 20 से 30 वर्ष की आयु के बीच में अब प्लेटो चार चीजें मुख्य रूप से व्यक्ति को पाठ्यक्रम में शामिल करता है व्यक्ति के, कि व्यक्ति इन चीजों का अध्ययन करे 10 साल में, जिसमें गणित, ज्यामिति, ज्योतिष और हार्मोनिक्स, जिसको हम कहते हैं सांध्वनिक शास्त्र, हार्मोनिक्स जो ये है। तो गणित जिसमें विशेष रूप से ज्यामिति पे वो जोर देता है, तो गणित, ज्यामिति, ज्योतिष और हार्मोनिक्स, ये इस तरह के सब्जेक्ट है वो प्लेटो 20 से 30 वर्ष की आयु में व्यक्ति को उच्च शिक्षा के लिए रखता है। तो यहाँ पे आप देखिए गणित, उसमें भी स्पेशली जो ज्यामिति है, क्योंकि प्लेटो का ये मानना है कि गणित और ज्यामिति जिसको नहीं आती है वो व्यक्ति शासन नहीं कर सकता है। डिसीजन मेकिंग में और एक तरीके से जब युद्ध कला की जो रणनीतियां होती है वो व्यक्ति गणित और ज्यामिति के माध्यम से बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाता है। आज भी हम देखते हैं कि रीजनिंग जो है, मैथ्स रीजनिंग, ये आज भी आपके इन परीक्षाओं में शामिल की जाती है, तो ये भी इसका मानना है। दूसरा, प्लेटो का मानना है कि नक्षत्रों का ज्ञान
होना बहुत इंपॉर्टेंट है, किन नक्षत्रों के अनुसार किस तरीके से व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, किन नक्षत्रों में व्यक्ति अपना काम करे, ये तो एक तरीके से उसने ज्यामिति, ज्योतिष और हार्मोनिक्स, जो मानसिक संतुष्टि है या इस तरह के जो सांध्वनिक शास्त्र है पूरा का पूरा, उसने ये सारे तीनों चीजों को मिलाकर उसने अपना इन सब्जेक्ट्स को लेकर उसने 20 से 30 वर्ष की आयु में इनका पाठ्यक्रम उसने शुरू किया है। और इस पाठ्यक्रम का जो मूल उद्देश्य है, अभी अपन जैसे बात कर चुके कि इनके माध्यम से प्लेटो ये मानता है कि व्यक्ति जब इन चीजों का अध्ययन करेगा तो वो सत्य को बेहतरीन तरीके से जान पाएगा, सत्य पहचान पाएगा वो कि सत्य क्या चीज है, वो तर्क के माध्यम से इनमें कर पाएगा, उसे दार्शनिक ज्ञान होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि गणना और नक्षत्रों का जैसे ही उसको ज्ञान बढ़ेगा वो सैन्य रणनीति बहुत बेहतरीन तरीके से बना पाएगा। तो ये सारा उसका अगला उद्देश्य है। सारा मैंने बताया ना कि आपको शुरू में भी कि दार्शनिक शासक ढूंढना उसका मुख्य उद्देश्य था। और ये जितने भी सब्जेक्ट उसने अपने उसके सिलेबस में डाले हैं, पाठ्यक्रम में डाले हैं, वो सारे वही हैं कि व्यक्ति अपने राज्य की रक्षा बहुत अच्छे से कर सके, व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चल सके और व्यक्ति में एक नैतिकता का सृजन हो। इसके लिए उसने इन सारी चीजों को अपने सिलेबस में डाला है। तो 20 से 30 वर्ष की आयु में इन विषयों का, गणित, ज्यामिति, ज्योतिष शास्त्र, सांध्वनिक शास्त्र का अध्ययन करने के बाद में प्लेटो कहता है कि 30 वर्ष की आयु के बाद में पुनः व्यक्ति को एक परीक्षा देनी होगी। अब यहां हम देखते हैं कि वही दो रिजल्ट उसने रखे हैं, या तो व्यक्ति फेल होगा या फिर व्यक्ति पास होगा। तो जो व्यक्ति फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, उनके लिए वो ये व्यवस्था करता है कि जो व्यक्ति अनुत्तीर्ण हो गए वो व्यक्ति प्रशासनिक पदों के ऊपर, सामान्य जो पद हैं, बड़े पद की बात नहीं कर रहा, अभी शासक वर्ग तक पहुंचाएगा वो आगे, लेकिन जो सामान्य पद हैं प्रशासन के, वो उन व्यक्तियों को प्रशासनिक दायित्व दे दिए जाएंगे और वो व्यक्ति उन दायित्वों का निर्वहन करना शुरू कर देंगे। जो व्यक्ति 20 से 30 वर्ष की आयु में ज्यामिति, ज्योतिष शास्त्र या हार्मोनिक्स वगैरह पढ़ के और जो फेल हो गए हैं, उन व्यक्तियों को सामान्य प्रशासनिक दायित्व वो संभाल देता है। सैनिक जो अधिकारी पद हैं वो उनको संभालता है, वो उनको कहता है ये इन पर आप काम करिए। अब बात आती है उन व्यक्तियों की जो व्यक्ति पास हो गए हैं, जो जिन्होंने 30 वर्ष की आयु के बाद में ये परीक्षाएं सफलतापूर्वक उन्होंने आगे पूरी कर ली है। तो नेक्स्ट जो सेकंड स्तर आता है वो आता है प्लेटो का, 30 से 35 वर्ष की आयु में फिर वे व्यक्ति पढ़ना शुरू करेंगे। अब 30 से 35 वर्ष के बीच में दो चीजों पर उनका फोकस रहेगा, एक रहेगा द्वंद्ववाद के ऊपर और दूसरा रहेगा दर्शन शास्त्र के ऊपर, तर्क शास्त्र जिसको आप कहते हैं द्वंद्ववाद। तो अब यहां तार्किक क्षमता व्यक्ति की यदि मजबूत है तो व्यक्ति तब होगी जब उसके पास तथ्यात्मक ज्ञान बहुत ज्यादा होगा। तो ज्ञान के आधार पर जितना ज्ञान होगा, तो प्लेटो का यह मानना था कि जितना ज्ञान होगा व्यक्ति उतना बेहतरीन तरीके से तर्क कर पाता है। यदि ज्ञान नहीं है तो फिर व्यक्ति कुतर्क करता है। कुतर्क अलग चीज हो गई है, कुतर्क करने का मतलब है कि वो वहां केवल एक जिद है, बहस है, वो ज्ञान की श्रेणी में नहीं मानता है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब व्यक्ति तर्क वही कर पाएगा जिसको वास्तविक तर्क जिसको कहते हैं, मतलब कुतर्क की बात नहीं कर रहे, तर्क जो होता है वास्तविक रूप से, वो व्यक्ति तभी कर पाएगा जब व्यक्ति में ज्ञान होगा, बेहतरीन उसके पास चीजों का एक समायोजन होगा जहां वो उदाहरण के माध्यम से लोगों को समझा सके। तो लोगों को संतुष्ट करना अपने निर्णयों से वो तभी कर पाएगा जब उसके पास बेहतरीन ज्ञान होगा। तो तर्क शास्त्र के माध्यम से और दर्शन शास्त्र के माध्यम से प्रत्येक वस्तु का सार क्या है, अंतिम सार क्या है, ज्ञान क्या है, क्योंकि जब व्यक्ति दर्शन शास्त्र पढ़ेगा, दार्शनिक चीजें उसके पास आएगी, ज्ञान उसके पास आ गया, तो व्यक्ति में, प्लेटो का ये मानना है कि उस व्यक्ति में स्वार्थ, लालच, संघर्ष, ये इस तरह की चीजें डेवलप नहीं होंगी। तो प्लेटो मानता है कि 30 से 35 वर्ष की आयु में द्वंद्ववाद और दर्शन शास्त्र, इन दो का अध्ययन व्यक्ति को करना है। तो उसने 30 से 35 साल के मध्य विशेष रूप से इन दो सब्जेक्ट्स को अब उस पाठ्यक्रम में डाला है ताकि व्यक्ति अपने विवेक के उच्च स्तर को प्राप्त कर सके और विभिन्न शास्त्रों के जो मध्य है, विभिन्न जो वर्ग हैं उनके मध्य है, एक सामंजस्य वो स्थापित कर सके यदि उसका ज्ञान परिपूर्ण होगा। तो 30 से 35 वर्ष के बीच में प्लेटो की उच्च शिक्षा की सैद्धांतिक जो एक शिक्षा का जो लंबा एक कार्यकाल चला था जन्म से लेके, वो 35 वर्ष के आने के बाद में सैद्धांतिक शिक्षा वो यहाँ पूरी करने के बाद में अब 35 से 50 वर्ष तक
उसका अगला ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। 30 से 35 जो भी व्यक्ति सफल हो जाएंगे, सारा ये सफलतापूर्वक सैद्धांतिक शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, वे तीसरे स्टेज में 35 से 50 वर्ष तक की आयु में, 35 से लेके 50 वर्ष 15 वर्ष तक, अब वो समाज के बीच में जाएंगे, समाज के जो समस्याएं हैं उनके थपेड़े खाएंगे और समाज में जो चुनौतियां हैं उनका सामना खुद करेंगे। अब प्लेटो उनको समाज में खुला छोड़ देता है ताकि अपने ज्ञान का व्यवहार में वो किस तरीके से यूज लेते हैं उस तरीके से प्लेटो उनकी एक व्यावहारिक या क्रियात्मक शिक्षा है वो 35 से 50 के बीच में शुरू करता है। और ये सारी चीजें करने के बाद में जब व्यक्ति इसको भी सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है, इस 15 साल की प्रैक्टिकल एक ट्रेनिंग जो प्रशिक्षण है उसका, जो प्रशासन का शासन का जो प्रशिक्षण है, ये 15 साल में वो विभिन्न विभागों में, विभिन्न पदों में, विभिन्न अधिकारियों के साथ रहकर, विभिन्न लोगों के बीच में रहकर वो जान पाएगा कि समाज की वास्तविक समस्याएं क्या है, अपने ज्ञान के द्वारा किस प्रकार वो इन चुनौतियों को दूर कर सकता है। इसमें सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद में 50 वर्ष की आयु में प्लेटो की ये शिक्षा प्रणाली समाप्त होती है और जो इसको सफलतापूर्वक पूरी कर लेते हैं 50 वर्ष की आयु तक, प्लेटो कहता है कि वे अब दार्शनिक शासक बनेंगे, वे दार्शनिक शासक ही राज्य का संचालन करेंगे। तो राज्य का संचालन करने के लिए जिन शासकों को प्लेटो ढूंढता है उनको ढूंढने का तरीका प्लेटो ने अपनी शिक्षा प्रणाली में जन्म से लेके 50 वर्ष तक की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों जो एजुकेशन है उसके माध्यम से उसको ये अपना जो खोज है वो पूरी हो पाती है। तो प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है इसमें आज हमने देखा है कि प्लेटो किस प्रकार प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में अपना किनको प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए, किनको उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए और उच्च शिक्षा में क्या सिलेबस है, उसका उद्देश्य क्या है, प्राथमिक शिक्षा में उसका क्या उद्देश्य है, प्राथमिक शिक्षा की सिलेबस या पाठ्यक्रम क्या है, ये सारा आज हमने इस वीडियो में देखा है। और आप इसको और बेहतरीन तरीके से देखने के लिए आप प्लेटो की जो एजुकेशन थ्योरी संबंधित किताबें हैं रिपब्लिक में, आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं। तो मूल किताबों का भी आप अध्ययन करते रहें और कोविड 19 का जो समय है इसमें आप हमेशा जब भी लोगों के बीच में जाते हैं, समाज के बीच में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, आप हमेशा मास्क लगा के रहिए ताकि ये भी एक चुनौती है, इसका हमें सामना करना है। जल्दी ही शायद हो जाएगी समाप्त, लेकिन जब तक इस तरह की कोई हमारे पास चीज़ें नहीं अवेलेबल होती हमें मास्क लगा के रखना है, सैनिटाइजर से हाथ धोइए, सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं है तो आप जब भी कहीं मुंह के हाथ लगाना है और है, जब भी आप घर में आए आराम से आप आधा मिनट एक मिनट तक बढ़िया साबुन से अपना हाथ धोइए और उसके बाद में अपने हाथ मुंह कहीं कुछ है तो पूरा अपना सेफ रखिए और बिना काम आप घर से बाहर नहीं निकलें। जितना आप घर में रहेंगे उतना ज़्यादा आप सुरक्षित हैं। धन्यवाद।